किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल के अपडेट, दिन भर सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। भागलपुर के बाद गोपालगंज में बड़ा विस्फोटक धमाका हुआ है। ये धमाका फुलवरिया थाना के बथुआ बाजार की है। इस धमाके में 55 साल के हलीम मियां की मौत हो गई, जबकि इनके पुत्र अख्तर घायल हो गए हैं, जिसे इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल से बाहर रेफर किया गया है। जिस मकान में धमाका हुआ वो मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया है। धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि शव के चिथड़े उड़ गए। पुलिस ने अलग अलग जगहों से शव के टुकड़ों को बरामद किया और इसे बोरी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं दूसरी तरफ गंभीर रूप से घायल अख्तर आलम को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है। एसपी आनंद कुमार ने बताया कि बम धमाके की जांच की जा रही है। आज करीब 2 घंटे पहले यहाँ बथुआ बाजार एक मकान खाली में और उनके मकान में विस्फोट हुआ है और जिसमें कि उनकी मृत्यु हुई है और उनके कुछ जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। और मौके पर यहाँ पर हमारे स्थानीय पदाधिकारी मौजूद हैं और हम लोग भी यहाँ पर हैं और साथ ही साथ घटना का कारण क्या है और किस प्रकार से विस्फोट हुआ है उसके लिए निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए हम लोगों ने जो FSL की टीम है, बैलिस्टिक टीम है, उनको बुलाया और जो BDS की टीम है उनको भी बुलाया और वो लोग टीम आके इस घटनास्थल का मुआयना करेंगे। अभी हम लोगों ने इस घटनास्थल को सील कर दिया है ताकि जो भी प्रदर्श हों वो नष्ट ना हो और उनको हम लोग संकलित करके FSL में भेजेंगे। घटना के क्या कारण थे, किस कारण से विस्फोट हुआ, वही धमाके की गूंज के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। गोपालगंज के DM नवल किशोर चौधरी के मुताबिक विस्फोटक ब्लास्ट का कारण पता नहीं चल सका है। अभी हम लोग धमाका किस कारण से हुआ है इसके अभी निष्कर्ष पर हम लोग नहीं पहुँचे हैं। जाँच चल रही है। हम लोगों ने उस अगल बगल के घर को भी, घर के लोग हैं उनको भी रिक्वेस्ट किए हैं और जो हमारी डिफरेंट FSL की टीम है, स्निफर डॉग टीम है और भी कई टीम आ रही है। हम लोग इंक्वायर करा रहे हैं, आम आदमी से सूचना भी हम लोग संग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि धमाके की असली वजह क्या थी। वैसे इसमें अभी एक आदमी का डेथ हो गया है और दूसरा आदमी इंजर्ड है जो हमारे सदर अस्पताल में था, उनको रेफरल की आवश्यकता पड़ी है, हम लोगों ने रेफर किया है, वो हायर सेंटर से रेफर किए गए हैं। लेकिन एग्जैक्ट रीज़न जो हमारी टीम की जांच हो जाएगी उसके बाद कुछ कहना होगा। तो मौत कितने लोग हुई है, इंजर्ड कितने लोग हैं, घायल कितने? एक आदमी की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति इंजर्ड है। अभी FSL की टीम और स्निफर डॉग की टीम SP साहब के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है और हम लोग भी जो एक बॉम्ब स्क्वाड डिस्पोजल टीम होती है उसको भी हम लोग एहतियात करके बुला रहे हैं। बिहार में भागलपुर के बाद गोपालगंज के धमाके ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। धमाकों में लोगों की जान जा रही है, लोग जख्मी हो रहे हैं और पुलिस वही रटा रटाया बयान दे रही है कि मामले की पड़ताल की जा रही है। उम्मीद यही कि अगले धमाके से पहले बिहार की सुरक्षा व्यवस्था जागे और इन धमाकों के पीछे शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाए। गोपालगंज से संवाददाता सुनील कुमार तिवारी की रिपोर्ट।